नमस्कार। जिंदगी में नजदीकियों के साथ साथ दूरियों की भी अहमियत होती है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत करीब से देखने पर डिफोकस नजर आती हैं और थोड़ा सा पीछे हटकर हम देखते हैं फोकस क्लियर हो जाता है। इसलिए कब पास आना है, कब दूर जाना है, जिंदगी में यह भी हमें सीखना पड़ता है हर परिस्थिति में। और आपके तारे कुछ ऐसी ही चीजें आप तक पहुंचाने की, आपको सिखाने की कोशिश करता है ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मेष और वृषभ राशि, सबसे पहले आपके लिए जान लेते हैं कि कैसा है आज का दिन और इस आज के दिन के लिए आपकी प्लानिंग में कहां पर थोड़ी सी चूक हो रही है। हो सकता है चूक ना हो रही हो, हमारे कहने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी कितनी भी मुकम्मल क्यों ना हो, उसे थोड़ी और धार हम दे देंगे ज्योतिष गुरु के टिप्स के जरिए। ध्यान से। मेष राशि वालों के मन में खर्चों की भी चिंता है और नुकसान की भी। पैसे से जुड़ी जिम्मेदारियां भी कुछ ऐसी हैं जिन्हें आपको निभाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में, बार बार गलती करते चले जाने से तो बचना ही होगा। और इस बात को भी समझ लें कि अपने पैसे को थोड़ा सा बचा कर भी रखें। कामकाज में भी स्थिरता लाने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में, अपनों से मिलती हुई मदद के खिलाफ भी सवाल ना खड़े करें। मन में कोई ऐसा वहम भी ना पालें जिसका कोई इलाज ही ना हो। वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और हालात मददगार बने हुए हैं। आपकी कोशिशों के चलते रिश्तों को बेहतर करने में भी आपको मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में, काम काज के प्रति अपनी लगन इस रूप से बढ़ा लें कि आप लोगों को भी मदद कर सकें। बस अपनी ओर से नेकी कर लें और फिर उसे भूल जाएं, इसी बात में आपके लिए सुख होगा। क्या ना करें समय में, काम काज में बनते हुए फोकस में भी कोई गलतियां ना निकालें। लोगों के व्यवहार में भी कमियां ना ढूंढते चले जाएं। बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना तो पड़ेगा ही। तो दूसरों के व्यवहार में हम कमियां जितनी ढूंढते जाएंगे हमें उतनी कमियां दिखाई भी देने लगेंगी, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। आगे सवाल लेते हैं। सवाल है मयंक वर्मा का। ज्योतिष गुरु, डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1998, 9:40 रात में इनका जन्म हुआ है, बहादुरगढ़ हरियाणा। इनका सवाल यह है कि ग्रेजुएशन इनका 2019 में कंप्लीट हो रहा है, SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक इनको नौकरी मिलेगी और खास तौर पर सरकारी नौकरी के बारे में इन्होंने जानना चाहा। मयंक, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की मई 2018 तक। आपने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन 2019 में पूरी होगी और मार्च 2020 में आपको जॉब मिल जाएगी, और वो जो जॉब है वो जो मिले उसे ले लें, उसी से अपना करियर बना लें। सिर्फ सरकारी नौकरी की बात ना करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए हिंदुस्तान में। इसलिए इस बात को समझें और अपना करियर बनाने की दिशा में अपने प्रयास बनाएं। देखिए, मार्च 2020 में आपको जो नौकरी मिल रही है उसे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके करियर का रास्ता खुल रहा है। सरकारी नौकरी मिलेगी, वही नौकरी करेंगे, इतना चूजी नहीं होना चाहिए। और आजकल तो इसका कोई मतलब भी नहीं रह गया है। अच्छी नौकरी जरूरी है जो आपके करियर को शेप दे सके। मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए देखते हैं कि कैसे हैं आने वाले पल और उन्हें कैसे आपको शेप देना है। अब उसके लिए कुछ करना है और कुछ चीजों से बचना है। मिथुन राशि वालों के मन में अगर कामकाज के प्रति सेटिस्फेक्शन बनी रहेगी तो घर परिवार में भी शांति का माहौल बन सकेगा। ये तभी संभव होगा अगर आप जो सोचे वही कहें। क्या करना चाहिए समय में, हर बात में उभरती हुई परेशानी से तो बचना ही होगा। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो और भी संभलना होगा। बिना किसी कारण किसी से पैसा लेने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, अपनी तकदीर पे शक भी ना करते चले जाएं और अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश भी ना करें। अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना भी ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों के मन में अगर परेशानी आएगी तभी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समय कुछ कमजोर है, इसलिए अपनी कोशिशों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। जब भी जिंदगी के किसी क्षेत्र में कमी होती है तो उसी ओर अपनी तवज्जो को बढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। क्या ना करें समय में, अपने कामकाज की वजह से भी आप व्यर्थ में दुखी ना होते चले जाएं। अपने हित को पहचानें, लोगों की गलती ना निकालें। आपका हित किस में है उसे समझना ज्यादा जरूरी है बनस्पति इसके कि दूसरे कहां गलत कर रहे हैं। सिंह और कन्या राशि, देखिए समझने का तरीका है जिंदगी को। अगर हम अपनी आदत ऐसी बनाएंगे कि जहां पर हमें फेलियर मिली दूसरों की गलती ये थी, दूसरों की गलती वो थी, जिंदगी भर हमें ऐसे एक्सप्लेनेशंस मिलते रहेंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस हमारे किसी काम नहीं आने वाले। हमें खुद पर ध्यान देना होगा। आप अपने पर ध्यान दीजिए,
कैसे दीजिए बताएंगे ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई इस वजह से बन रही है क्योंकि आप लोगों को समझना चाह रहे हैं। ऐसा करने के लिए लोगों पे थोड़ा सा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार के हालात को भली भांति समझें। अगर कोई कमियां रही हैं तो उन कारणों को भी समझने की कोशिश जरूर कर लें। सिर्फ आप ही सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्या ना करें समय में, अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें। अपने मन में भी किसी तरह का शक पैदा करके आप लोगों से कहीं दूरियां ना बढ़ा लें। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि हर तरह की परिस्थिति को संभालने के लिए अपने मन में धैर्य पैदा करना होगा। अगर दोस्तों से असंतोष बढ़ रहा है तो उसे भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में, जो भी परेशानियां हैं उसमें अपनी मेहनत की कमी नजर आती है, इसलिए उस कमी को दूर तो आपको करना ही पड़ेगा। पूरा फायदा तब होगा अगर आप और ज्यादा नियमित हो जाएंगे। क्या ना करें इस समय में, पैसे के लेन देन में इस समय की कमी को समझें। अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो फिर घबराए नहीं, बस ईमानदारी से अपना मुंह ना मोड़े। अगर आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहिए। उस रास्ते पर आपको सफलता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है ज्योतिष गुरु की। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल अगला हमारे सामने आ रहा है ज्योतिष गुरु, इनका नाम है देशराज। 26 मार्च 1990 9:50 रात में इनका जन्म हुआ है मंडी। फ्यूचर के बारे में सवाल है इनका, शादी का सही समय कब तक है ये जानना चाहते हैं। तो करियर और शादी। देशराज आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2018 तक। शादी का सही समय पूछा है आपने, दो समय कुंडली आपकी दर्शा रही है। एक समय है जी अप्रैल से सितंबर 2018 के बीच में, लेकिन एक बेहतर समय है वो है अप्रैल मई 2019 में। तो ये अब अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप फैसला कर लें, अपने कैरियर को देखते हुए, अपने और ज़िंदगी के जो ज़रूरी बातें हैं उनको देखते हुए कि कब आपको शादी करनी चाहिए। वैसे ये जो आगे वाला समय है अप्रैल मई 2019 का, वो बेहतर समय है। तो हमें उम्मीद है ये दोनों समय आपने नोट किए होंगे, जो बेहतर समय है उस समय शादी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद इशारा यही है वक्त का कि तब तक आप अपने करियर पर फोकस कर पाए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको कहां पर अपना फोकस बढ़ाना है और कहां पर थोड़ा पीछे हट जाना है। जो हमने शुरुआत में कहा था कि नजदीक आना और दूर जाना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और दोनों ही सिद्ध करनी पड़ती हैं जिंदगी में अगर आप जिंदगी को ढंग से जीना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों में आपकी अच्छाई बढ़ रही है और उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ रहा है। अगर आपका ही फोकस बिगड़ जाएगा तो फिर गलती किसकी होगी। क्या करना चाहिए समय में, कोई भी छुपी हुई बात कहने से फासले बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखें। किसी प्यार के रिश्ते में भी इसलिए संभल के ही चलना पड़ेगा। क्या ना करें समय में, कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन में कोई आंच ना आने दें, ना ही लोगों को इस समय शक की नजर से देखते चले जाएं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थिति ठीक है और हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने से भी बहुत कुछ आपके हित में ही बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में, हालात कैसे भी हों अपनी जिम्मेदारियों को तो आपको निभाना ही पड़ेगा। ऐसे में लोगों की अच्छाई को समझना भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें समय में, अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी ना आने दें और ऐसा करके आप किसी छोटी बात को भी बढ़ा ना लें, शांति बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को कभी कभी हम बहुत बड़ा कर देते हैं, ये हमारी अपनी कमी है, इस कमी को हमें दूर करना होगा। बिल्कुल। धनु और मकर राशि, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कमी क्या है। हम मान कर ये चलते हैं कि हम सही हैं और दूसरे भी तमाम हमारे दोस्त होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर समझना जरूरी होता है कि गलतियाँ हर एक के अंदर छुपी होती हैं। ऐसी कौन सी छुपी हुई गलती है उसे आपको समझना है। धनु राशि वालों के लिए कामकाज की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को आपको समझना ही पड़ेगा। इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आपके मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। क्या करना चाहिए समय में, अपने बढ़ते हुए नुकसान को थाम लें, अपनी बिगड़ती हुई बात को भी संभाल लें, अपनी मानसिकता को बहुत पॉजिटिव बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में, अगर पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उससे बहुत ज्यादा घबरा ना जाएं। ऐसा सोच के अपने रिश्तों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें।
मकर राशि वालों के मन में किसी यात्रा या बदलाव का विचार हो सकता है और उस प्रयास में आपको लोगों की अच्छी सलाह भी मिल जाएगी। कुल मिला के ये हालात जो हैं आपके वो सुखद ही बने हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति संतोषजनक है और सब कुछ ठीक ठाक है। कामकाज की ओर बढ़ता हुआ रुझान आपको बड़ी सफलता भी दे सकता है। क्या ना करें समय में? लोगों की बात समझने में कोई गलती ना करें और साथ ही साथ कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी ना दें जिसके चलते आपका ही नुकसान हो। तो कुंभ और मीन राशि आपकी हो रही है बात, तो बात में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज का दिन कैसा है आपके लिए और उसके बाद ये समझना है कि इस दिन को हमें जीना कैसे है, कहां पर अपना फोकस बढ़ाना है और कहां पर हमें थोड़ा मध्यम हो जाना है, थोड़ा पीछे हट जाना है। कुंभ राशि वालों के लिए हालात कुछ कमजोर हैं क्योंकि आपकी अच्छाई भी काम नहीं कर रही। यही कारण है कि मन में कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? काम ही आपको बचाएगा और काम ही आपको आगे ले जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि काम के प्रति आपकी लगन जो है वो कम होती चली जा रही है, इसलिए हर छोटी बात को बचा के ही चलाना होगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़ी परेशानियों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें और उसका असर अपनी मानसिकता पे भी बिल्कुल ना आने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते चले जाएं। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में या पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में अच्छाई बनी रहेगी तो अपने मन के भटकाव को संभालने में भी मदद मिल जाएगी, पर समस्या यह है कि आपको किसी भी चीज पर भरोसा ही नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए समय में? बदलते हुए दौर में बहुत कुछ समझने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मेहनत इस समय आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकती है। चुनौतियों के बावजूद यह अच्छा समय बन सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालने में कोई गलती ना करें, कोई ऐसी बात भी ना कहें जिसके चलते दूरियां पैदा हो जाएं, कोई चुभती हुई बात किसी को बिल्कुल ना कहें। ये जो तंज वाला लहजा होता है या जो चुभती हुई बात होती है ये बड़ी खतरनाक होती है और इसका जो घाव है वो बहुत गहरा होता है। बचिएगा ऐसा कुछ भी कहने से या करने से। तो मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमारा फोकस सही रहे जिंदगी के प्रति। उसके लिए कब पास जाना है, कब थोड़ा सा दूर हटकर चीजों को देखना है, ये समझना और सीखना हमें पड़ेगा। और ज्योतिष गुरु हमें सिखाते रहेंगे कुछ ऐसी ही दिलचस्प चीजें जो जुड़ी हुई हैं आपकी और हमारी जिंदगी से सीधे सीधे। अगर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए aapketaret@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम इस साथ को कल फिर आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ आपके तारे लेकर। नमस्कार। नमस्कार।